I've fallen in love with I love. I love you. They'll say, wow. कल के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया, हर चीज में लेट। आपकी जल्दबाजी में अगर मैं गिर गया होता तो फिर क्या होता? भाई साहब, जब हम दोनों घर से भाग रहे हैं तो क्या प्लान करके भागेंगे? हाँ, बात करते हैं। घर से भाग कर आए हो, लेकिन क्यों? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए भाग लिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हमारा ये इकलौता है, इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, आखिर यही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हाँ, सही कहा। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? गलत कर रहे हो, इस तरह घर वालों को बिना बताए भाग रहे हो, गलत बात है ये। घर वालों को राजी भी तो कर सकते हो ना। आज जो तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो ना, कल यही कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हे, आपको इस तरह से लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आपके जमाने का प्यार अलग था, हमारे जमाने का प्यार अलग है, समझे आप? तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि हमने कभी प्यार किया ही नहीं। प्यार प्यार होता है किसी भी जमाने में हो, बस मनाने की काबिलियत होनी चाहिए। आप सो जाइए, मानसी तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। इन्हें समझाना अपने बस का नहीं। मुट्ठा पकाएगा। समोसे ले लो, समोसे। हाँ, ये लो बाकी। सॉरी भैया, एक बोतल पानी दीजिए। हाँ, ये लो, 30 रुपए। थैंक यू। मानसी, पानी पी लो। तुम तो पक्के आशिक निकले। और नहीं तो क्या, हम जब इश्क करते हैं तो टूट कर करते हैं बॉस, और देखने वाले रश करते हैं। अर्ज है, हमारा इश्क है एक बुलेट, हमारा इश्क है एक बुलेट, जिसके सहारे हम गाते हैं प्यार का डुएट। वाह 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 वाह, थैंक यू। बहुत खूब, लगता है इनके साथ बहुत डुएट गा चुके हो।
एक मिनट आता हूँ। हाँ जाइए जाइए। तेरे मेरे प्यार का। ओए। अरे ये चलो। देख के चलो। क्या कर रहे हैं? भागिए से। चल नीचे उतार। अरे जरा भी शर्म नहीं आई? एक बूढ़े से रोटी छीन रहा है। कुछ तो उम्र का लिहाज किया होता। अबे बूढ़े पैर कब्र में लटके कितना खाएगा? चल। हाय 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 असली तो यहाँ बैठा है बे। हम तो पीछे फालतू टाइम पास कर रहे थे। अरे छमिया से हेलो तो कर ले। नहीं भैया नहीं, क्या कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है भाई? बहुत गलत है। ऊपर वाले को मुंह दिखा रहा है। अरे अपनी नहीं तो कम से कम गांधी जी की रख लो, थोड़ी सी इज्जत, उनको भी बहुत खुशी होगी भाई। अरे ये देखो गांधी का पोता तो यहाँ है। चल रे सारे कपड़े दिखाओ तो। अरे बस देखेंगे, दिखाओ तो। क्या खुशबू है। बहुत भीड़ है इसीलिए बस यही लिए जा रहे हैं, फिर आएंगे तुमको लेने। चलो बे साहब। अबे लाओ हमको दो। अरे पहले तो रोटी ना खाने दी, चाय भी छीन ली बेशरम। दिमाग मत खा। अरे अरे आपको चोट लग गई क्या दद्दू? ये लीजिए अपना गमछा और जाइए यहाँ से। नरक में जाएगा कुत्ता। भैया जी वहाँ लड़की के साथ ऐसा व्यवहार, यहाँ दद्दू जी के साथ ऐसा व्यवहार, आखिर कौन सिखाया है आपको? वैसे हम आपको एक बात बताएं, किसी लड़की को ऐसे छेड़ने के बदले आप अच्छी सी लड़की पटा लो और उससे शादी कर लो, लाइफ सेट। क्यों बे, हमारे शादी में बाजा बजाने का इरादा है का? ओह लगता है किसी लड़की से मन भर गया है तो हमारे मत्थे मरना चाहते हो क्या? छी छी छी, हम ऐसे नहीं है भैया, हम तो एक ही लड़की से प्यार करते हैं और बहुत जबर प्यार करते हैं, तन मन धन से प्यार करते हैं। अच्छा छोड़िए भैया, अभी आप उस लड़की से जो ब्रेसलेट छीने थे ना हमें वापस दीजिए। मजाक कर रहे बे? दे दीजिए ना। चल भाग चुपचाप। दे दीजिए ना। बोले ना भागो चुपचाप। चल बे। मिलेंगे। नाश्ता गर्मा गर्म नाश्ता ले लीजिए, नाश्ता खा के मजा आ जाएगा। नहीं खाना है। भूख लगी होगी, खा लो यार। कहा ना नहीं खाना है। अरे
मना किया ना? अरे ठीक है, नहीं खाना है तो क्या कर सकते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो आराम से नाश्ता करूंगा। क्यों भाई साहब, आप भी मेरे साथ खा लीजिए। खा लो बेटा, तुम्हें चाहने वाला तुम्हारे लिए इतने प्यार से नाश्ता लेकर आया है, नाश्ते पे नाराजगी क्यों? खा लो बेटा। नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो खा लो। आप लोगों के दिमाग में बात नहीं जा रही है क्या? कितनी बार मना करूं? एक बार और पूछा ना तो मार डालूंगी। दिमाग तो लड़की का बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसी बातें तुम्हें रोज सुननी पड़ेंगी। मेरी वाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही थी, रोज मुझे उसकी सुननी पड़ती थी। लगता है मेरी किस्मत में सुनना ही लिखा है। लेकिन मेरी किस्मत तो बड़ी जोर में है। मैं तो गर्मा गर्म नाश्ता करने वाला हूँ, अपना पेट भरता बाहर बजा जन। कैसे पटाया इसे? हमारी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर, जिसकी शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार हुई थी। अच्छा? उस दिन मैं एक डांस प्रोग्राम के लिए गया हुआ था। हाँ। गाना सुनाई दे रहा है ना? कौन सा गाना? ध्यान से सुनिए तब सुनाई देगा। हाँ। हाँ। कहानी स्टार्ट। ओए, काफी एंजॉय कर रहे हो तुम लोग, लगता है मैंने काफी कुछ मिस कर दिया। कौन थी वो पटाखा? अरे पटाखा नहीं, बॉम्ब थी यार, वो देख वो वहां जा रही है। मिस कर दिया यार। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। प्रसाद। लड़की के लिए तो जान हाजिर है यार। अबे एक पैग रम के लिए तू जान देने चला है? अबे रम की बात नहीं, अपने रंभा की बात कर रहा हूँ। उस दिन जिस लड़की को मैं उस डांस प्रोग्राम में नहीं देख पाया था ना, हाँ। कल मैंने उसे मंदिर में देखा यार। क्या खूबसूरती है, क्या सादगी है। उसे पहली नजर में देखते ही तय कर लिया कि दिल उसी को दूंगा। वाह, ये तो गया काम से। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, रेगिस्तान में हरियाली का नजारा होता है, वैसे ही मेरा बेचैन दिल उसकी एक झलक के लिए तरसता है। ये तो गया यार, भाई साहब प्यार में शहर भी बन गए। उसकी जुल्फों का वो लहराना, हल्की हल्की आहट से अपनी पायल को छनकाना, उसका वो खूबसूरत अंदाज, दिए की तरह रोशन उसकी मुस्कान, जैसे कोई देवी हो। 440 वोल्ट का झटका लग गया यार। सुन मेरे भाई, उस मंदिर की देवी के बारे में भूल जा, यहाँ देख एक देवी जाम के दिए जला रही है। कल मंदिर में मैंने जिस लड़की को देखा, ये वही है भाई। भाई तेरी मंदिर की देवी तो यहाँ कुछ और ही गुल खिला रही है, देख जरा। दोस्त अपनी तो घर वाली और बाहर वाली का कॉम्बिनेशन है। अब तो बेटा तू गया काम से, तुझे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद तो हम इतना हंसे कि मैं बता नहीं सकती। कल तो आप मंदिर में बड़े दिए जला रही थी, लेकिन यहाँ पर आप मेरा दिल जला रही हैं। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हेलो। हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती, वैसे आंखों से देखी हुई हर चीज सच नहीं होती, समझ में आया? एंड बाय द वे, ये ग्लास मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए रेडी कर रही हूँ। किसी और के लिए? कौन है वो खुशकिस्मत?
नाम है मेरा झनकार, हूँ मैं एक शानदार फनकार। अब फनकार होने के नाते पीना तो बनता है ना, लेकिन सोनी कुड़ियों के आगे पीना अच्छी बात नहीं है। मैं जरा कोना खोपचा पकड़ता हूँ तुम लगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, मैं पीऊँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लड़कियाँ नहीं पी सकती क्या? लड़कियाँ लड़कों के बराबर हैं, उनके टक्कर की हैं बिल्कुल। माना आजकल लड़कियाँ पीती हैं, इट्स ओके, पर अगर तुम पियोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और वो क्यों? अब क्या बताऊँ, तुमसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा मैं। अब तो तुम सिर्फ हमारी और हम सिर्फ तुम्हारे। यार अपना तो नेचर ही ऐसा है कि एक बार किसी को दिल दे दिया तो बात खत्म, उसके बाद तो मरते दम तक निभाते हैं। और नहीं तो क्या, हम तुम लड़कियों जैसे थोड़ी हैं कि एक पल में ये दूसरे पल में वो, हम पार्टी नहीं बदलते। देखो मेरी इस बात को मजाक में मत लेना, सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे दिलो जान से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अरे रोमियो बकवास बंद, मेरा सिर्फ नाम ही झनकार नहीं है, मैं बजा भी सकता हूँ गिटार, सितार और तेरी जिंदगी का तबला भी। अगर तूने इसकी तरफ एक आंख भी उठाकर देखी ना तो मैं तेरे सारे तार हिला दूंगा। चलो अरे अरे एग्जिट की जगह ये खंबा किसने लगा दिया? सारी पीवी उतार दी। हेलो बोल भाई, कैसे याद किया? कहाँ है बे तू? अभी तक ऑफिस में हूँ। क्यों आज नहीं आने वाला है क्या? क्या बोल रहा है यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे एक मिनट रुक यार, तेरी आवाज नहीं आ रही है। Hello? पता एक मिनट। अरे बड़ा शोर आ रहा है भाई, क्या रुक मैं करता हूँ तुझे फिर से फोन। ए चलो रे, देखते हैं क्या नाटक है। ए बंद कर रे, ए चले बंद करो चला। क्या ये फालतू का गाना बजाना लगा रखा है तुमने सड़क के बीचों बीच? हाँ अपने को फोन में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ए आज अपन के भाई का बर्थडे है समझा क्या, जोस्ती नाटक नहीं मांगता तेरा। हाँ तो जो बर्थडे मनाना है अपने घर में घुस के मनाना। सुन ले, हद से आगे बढ़ रहा है तू। देखो ये येड़ा अपने को हद सिखा रहा है। ए छोटे इसे खर्चा पानी देते हैं, चल चलो हटो चल। निकाल इसको, निकाल फालतू का नाटक लगा के रखा हुआ है। अरे इसकी माँ का निकल ही रहा था। साले कमीने, आज भाई का जन्मदिन है, जानता है ये करोड़ों के भगवान है भगवान, और ये हम लोगों के दिलों में धड़कते हैं दिलों में। आज ये नहीं है तो क्या हम इनका जन्मदिन भी नहीं मना सकते? इसकी सजा तो तुझे देनी पड़ेगी। क्या तुम्हारा जानवरों की तरह मारे ऐसे?
ओ मैडम, हम तो शांति से बर्थडे पार्टी मना रहे थे। अब जब बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो गाना बजाना डांस वांस तो चलता ही रहेगा ना। इसमें ये भाई बीच में टांग अड़ाने आ गए, इसके डर से बर्थडे पार्टी ना मनाए क्या? तुम लोग अभी बर्थडे पार्टी मना रहे थे? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। क्या बात है? एमा वाली, लोग पार्टी मना रहे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक तुझी ना उल्टे हाथ तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। भाई ये तो धमाल है। चलो चलो पार्टी सेलिब्रेट करते, जल्दी चलो। चलो चलो इसे भी ले चलो। ए सुनो, गाना बजाना शुरू करो। तो ये बारिश तो मुझ जैसे धोती पहनने वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नीचे पहले ही एसी चल रहा है और इस बारिश के मौसम में टेम्परेचर और डाउन हो गया है। कहीं ऐसा ना हो इस ठंड की वजह से मेरी झनकार बेकार हो जाए। अरे छोड़ो, तुम्हारी ये गोल मोल सी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अरे रे रे, मैं समझा भी नहीं सकता, उसके लिए कुछ कुछ होना चाहिए। जरा सुनिए, ये तकरार कहाँ से आ गया इस वक्त? तुम्हारी जिंदगी के शुरू में ये बेसुरा कहाँ से फिट होगा? जब तक झनकार तुम्हारे साथ है, तुम जमाने को इनकार कर सकती हो। मेरे बारे में बात कर रहे हो? अरे मेरे बेसुरे, अब बताओ ना मेरे बारे में क्या कह रहे थे? सुनेगा? बता दूँ? सुनकर तेरे सारे तार हिल जाएंगे। चलो तुम्हें मुफ्त की एक सलाह देता हूँ, अगर तुमने इसके साथ सुर मिलाए तो तुम्हारी जिंदगी का तबला बज जाएगा। कौन बजाएगा? वो नहीं नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। क्यों जी, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देती। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। अच्छा, वैसे खाली तो मेरी खोली भी है। साथ चलोगी क्या? अपने बारे में इतनी बड़ी गलत फहमी पाली है। बात ऐसी है कि अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि मैंने चट मंगनी, पट शादी और बच्चों तक की प्लानिंग कर ली है, तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। ये तो बड़ा चालू इंस्ट्रूमेंट है, सीधे शहनाई बजा रहा है। इसका तार तो बीच में ही काटना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि पापा वेट कर रहे हैं घर पे, चलो जल्दी। अजी कहाँ जा रही हो जी? I'm sorry, पर मुझे तुम्हारा नाम तो जानना ही पड़ेगा। किस लिए? अब तुम मेरी बीवी बन रही हो तो अच्छा होगा मैं तुम्हारा नाम जान लूं, वरना ए जी सुनो जी ऐसे कह के तुम्हें बुलाना पड़ेगा। है, नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं ही गेस कर लेता हूँ। दामिनी, कामिनी, मधुमती, सत्यवती, फूलमती। फिर गई है तेरी मती। बंद करिए बकवास, इसका नाम है बहुत ही खास, मानसी। मानसी? अच्छा नाम है। हेलो, तेरा नाम क्या है? माधव कुमार। वैसे प्यार से लोग मुझे माधव भी कहते हैं। माधव और मानसी, ऐसा लग रहा है इन दोनों के सातों सुर सेट होने वाले। सुनो, मैं कह रही हूँ मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं पीछा करना नहीं चाहता, मैं तो आगे चलना चाहता हूँ, बस तुम एक बार हाँ कह दो। मैं ये कह रहा था कि पापा गुस्सा होंगे, जल्दी घर चलो। सुना ना, पापा देंगे लाफा। खा लूंगा। छोड़ो से, जल्दी घर चले, पापा वेट कर रहे होंगे। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया? मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। इसकी कसम खा के कहता हूँ, मैं हूँ बहुत बड़ा डॉन। दिस इज माय ट्रू फ्रेंड। भाई माथुर साहब आ गए। ओ तो ये है आपके सपूत। देख भाई, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का नहीं। क्यों लड़के, इज्जत से समझा रहा हूँ, नो लव। माँ बाप जिससे कहे चुपचाप उससे शादी कर लेने का। पापा? ओ, मेरी बेटी मानसी आ गई। ये देखो, बच्चे ऐसे होने चाहिए, इससे कुछ सीखो तुम।
मैं जिस लड़के पर उंगली रख दूंगा मेरी बेटी आंख बंद करके उसी लड़के से शादी कर लेगी, समझ गए? नहीं तो दोनों का। बांसी? अब ये कौन है बे? अरे बहुत गलत टाइम पे आया, इसका तबला तो बच के रहेगा। ए, क्या काम है? मैं मानसी का पापा, ये मेरा दोस्त है पापा। ये तेरा दोस्त है? तू सच कह रही है ना? हाँ, क्या बात है, दोस्ती बन गया। ओए, ये फूल किसके लिए लाया? ये फूल तो आज इनका जन्मदिन है ना, इसलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्यूट बॉय। आज इसका बर्थडे? हाँ पापा, मैं भी भूल गई थी। इसे तो मेरी जन्म कुंडली ही बदल दी, पता नहीं आ गई कौन से तार छेड़ेगा। मानसी। हाँ? पापा। मानसी बेटा, तेरी माँ नहीं है इसलिए मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। ये जो प्यार व्यार का चक्कर है इसमें तुम कभी मत पड़ना, बेकार है ये। बेटी के हाथ में बाप की इज्जत होती है, चाहो तो संभाल सकती हो या उछाल भी सकती हो। पापा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है पापा, मैं तो बस ऐसे ही। मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सो जाओ आप। यहाँ क्या कर रहा है? सोचा साथ पढ़ लेंगे। देख, तेरे बाप ने तुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, इसलिए पढ़ाई कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साथ में मेरा बस एक छोटा सा काम करना होगा, मेरी बेटी मानसी पर नजर रखना, वो किस किस से मिलती है उसकी कंप्लीट डिटेल मुझे ला कर दो। बेटा, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मेरे पास एक इतना मोटा लोहे का सलिया है, उसे गर्म करके। मैं समझ गया, मतलब ओनली इनकमिंग अलाउड, नो आउटगोइंग पॉसिबल। ऐसे में तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा ना, कोई भी बात होगी तो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी ना। बतानी ही पड़ेगी, जरूर बताऊंगा। चल निकल। जान बच्ची, ए, तुम अपने बाप को उस लड़के के बारे में बताती क्यों नहीं हो? कैसे बताऊं, बहुत डर लग रहा है। अरे, तुम्हारे सुर सेट करने के चक्कर में मेरे सारे सुर बेसुरे हो जाएंगे, फूटी किस्मत इधर से या उधर से मेरा बजना तो तय है। ऊपर वाले सुन ले मेरी गुहार, बाप बेटी के चक्कर में लगता है ना बच पाएगा ये झनकार। दिमाग खराब है क्या? आज वैलेंटाइंस डे नहीं है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि आज वैलेंटाइंस डे नहीं है मानसी, पर क्या फर्क पड़ता है, सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए तो हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है। जब तुम्हारा दिल करे तब वैलेंटाइंस डे मना लो। हट, ये तो बिल्कुल ही पागल है। अरे मानसी, दोबारा अगर मेरा नाम पुकारा ना, मार डालूंगी तुम्हें। अरे जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, अगर उसका नाम एक बार भी प्यार से ले ले तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सैर कर ली। उसे एक नाम में पूरी बोतल का नशा होता है, किक मिलती है किक। ओ, अच्छा अच्छा, छोड़ो, कहाँ जा रही हो?
मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? क्या बात है, साथ मरने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पता है जब हम लोग मर जाएंगे ना तो लोग हमें लैला मजनू की तरह याद करेंगे, शायद हमारी याद में भी एक बड़ा सा ताजमहल बन जाए। हम कितने फेमस हो जाएंगे। नहीं चलो जल्दी मर जाते हैं। कौन केस? ए पलट, ए पलट, चल भाग, चल भाग। वाओ कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी शांति है यहाँ। सच में शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से मैं परेशान हो गई थी। वो देख वहाँ ऊपर, कहाँ? वहाँ असली ड्रामा तो वहाँ चल रहा है। आपस में बात। क्या जमाना आ गया है, पैसा मिलते ही लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। थु। अभी तो हमारी शादी भी कंप्लीट नहीं हुई। यार ये साइको तो यहाँ भी आ गया। तुम दोनों को जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। ए, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? फैंसी ड्रेस में जा रहे हो? फैंसी ड्रेस नहीं, आज तो मैं अपनी जिंदगी का कंपटीशन जीतने आया हूँ। हाँ। तुम बस हाँ कर दो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर वालों को हम बाद में मना लेंगे, और हनीमून कहाँ मनाना है ये भी डिसाइड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तैयार हो ना, क्या ख्याल है? नहीं ना। ये क्या है? ए, ये क्या कर रहे हो? खुद खाओ, मुझे क्यों खिला रहे हो? माफ करना भाई साहब, वो बॉटल का ढक्कन खुला रह गया तो पानी आप पर गिर गया। ए, मुझे बेवकूफ समझ रखा है, पानी चिपचिपा थोड़े ना होता है। ओह तब तो डबल सॉरी, शायद गुलाब जामुन खा रहे हैं उसी का रस गिर गया है आप पर। ए, गुलाब जामुन खा रहे हो ना तो अपने मुँह में डालो, मेरे शर्ट को खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरी शर्ट देखो। चलो अब छोड़ो इस बात को, तुम आगे सुनाओ कि तुम्हारी लव स्टोरी में क्या हुआ। भाई इसके प्रपोज करने का तरीका तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि आखिर तुम इससे भाग क्यों रही थी। नहीं वो बात हाँ, हाँ पता है क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उस गुलाब जामुन वाले ने बीच में ही इंटरवल कर दिया ना। मुझे जो है ना प्रेम कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। वो मैं अरे ये क्या, बातों ही बातों में मेरा स्टेशन तो आ ही गया। वहाँ स्टेशन के पास में ही मेरा घर है, तुम लोग साथ में उतरो और मेरे घर में खाना वाना खाकर फिर जाना। अरे नहीं नहीं भाई, वैसे जाना कहाँ है? हमें बस थोड़ी दूर रामपुर तक जाना है। फिर तो उतरना ही पड़ेगा, शाम की गाड़ी से तुम चले जाना। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, ऊपर वाला भी चाहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ। चलो चलो। आजकल ना यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। स्वाति आई चीजू। ये स्वाति हैं हमारी साली जी। नमस्ते। ये दोनों मुझे ट्रेन में मिल गए। अच्छा। मैं इन्हें यहाँ ले आया, इनके लिए खाना लगा दो। जी अभी लगा देती हूँ। बैठिए ना आप लोग। शर्माइए मत। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उसके साथ बैठो। अच्छा। जोड़ी बढ़िया है। ये लो पानी पियो। जरा एक मिनट। अब ठीक है। वो क्या है ना, अपना मामला तो सेट है लेकिन चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं तो सूरज चांद सितारों पर भी भरोसा नहीं करता, मेरी मानसी है ऐसी। ये लो पानी पियो। थैंक यू। देखा कितना चाहता है तुम्हें। वैसे ये मेरा घर। स्वाति इसे यहाँ बाहर किसने रख दिया, बताए मुझे, बर्दाश्त नहीं है। हटा सर, हटाओ इसे यहाँ से। क्या हुआ आपको? ये ठीक तो है? इस गिफ्ट की वजह से
गिफ्ट की वजह से मेरी लाइफ सर बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हो गया? देखिए शांत हो जाइए। तेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरा प्यार, मेरा घर, ये सब कुछ मेरी सिर्फ एक गलती से बर्बाद हो गया। पहले एक बहुत बड़ी गलती की और उसी गलती की सजा मुझे मिली। मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ डार्लिंग, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए? इस जिंदगी में क्या मैं आपकी बस सेक्रेटरी ही बन के रहूंगी डार्लिंग? इतने सालों से हम दोनों के बीच एक रिश्ता है, अब उसे नाम भी दे दीजिए ना। कब तक ऐसा चलता रहेगा डार्लिंग? लोग मुझे बातें सुनाते हैं, ताने मारते हैं। साफ बोलो क्या चाहिए। मैं कब तक आपकी बस सेक्रेटरी ही बनकर रहूंगी? मेरा प्रमोशन कर दीजिए ना, आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लीजिए ना। शादी करना चाहती हो? मैं बात करता हूँ। डोंट टच इट। क्या हुआ आपको? बहुत टेंशन में लग रहे हैं। हाँ मैं वाकई टेंशन में हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। दरअसल मैं भी आपसे कुछ। तुम अपनी बात रहने दो, पहले तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, पर इस वक्त मैंने कहा ना मुझे जरूरी बात करनी है। तुमसे छुटकारा चाहिए मुझे, तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या डिवोर्स चाहिए? तुम्हारे साथ रहना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारी किचकिच सुनकर मेरी जिंदगी हेल हो गई है। तुम डिवोर्स दे दो, मैं अब अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता हूँ। सुनिए मैं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बेकार की बात मत करो। डिवोर्स दे रही हो या नहीं साफ साफ बताओ। मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? आपको 7 दिनों तक रोज मेरा हाथ थामकर मुझे बेडरूम तक ले जाना होगा। इतना ही ना? उसके बाद तो मुझे डिवोर्स दे दोगी ना? हाँ दे दूंगी। थैंक यू। सॉरी 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 बट थैंक यू। आज शर्त पूरी करने का पहला दिन है। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो बस किसी तरह से उसे छुटकारा पाना चाहता था। दूसरे दिन जब मैं उसे ले जा रहा था तो मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा। मुझे सब कुछ याद आने लगा जब मैंने उसे पहली बार देखा था और पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। तीसरे दिन जब वो मेरे करीब आई तो मुझे वो दिन याद आए जब मैं गुलाब का फूल लिए उसके पीछे पीछे चलता रहता था। क्या है? I love you. I love you. नहीं नहीं एक मिनट, इसे फेंकिए मत। ये फूल नहीं, मेरा दिल है। दिल अगर आपने इसे फेंक दिया ना तो मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी जान दे दूंगा। Miss, I love you. मुझे एहसास होने लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ओ
आज भी लेट हो गई। I'm really sorry। घर वालों से झूठ बोलकर जो आना पड़ता है। देखो मेरी तरह। आज तो बड़े खुश लग रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। आज शर्त का पांचवा दिन है, हाथ थाम कर नहीं ले जाएंगे। पांचवे दिन जब मैंने उसका हाथ थामा, क्यों ना हम दोनों भाग चले, तो मुझे वो प्यारी सी नोक झोंक याद आ गई। वो चाहती थी हम भाग कर शादी कर लें, लेकिन मैंने उससे वादा किया कि मैं घर वालों को मना लूंगा। सुनिए, आज मेरे माथे को चूम लीजिए। छठे दिन मुझे उसके घर वालों को और अपने घर वालों को मनाना याद आ रहा था। सब लोग राजी हो गए और हमें लगा जैसे हमें सारी दुनिया मिल गई हो। सातवें दिन मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। उसे देखते ही मुझे अपनी शादी की वो कस्में, वो रस्में, सब कुछ याद आ गए। कैसे मैंने उसे मंगल सूत्र पहनाया था, अग्नि को साक्षी मानकर हमने सात फेरे लिए थे। बड़ी धूमधाम से मैं अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर आया था। मुझे एहसास हुआ कि ये बंधन मैं कभी नहीं तोड़ सकता। हा? आज आखिरी दिन है, आज आंख लगने तक यही मेरे पास बैठ जाइए ना। मैं समझ गया, हमारा ये साथ जन्मों जन्मों का है। हाय डार्लिंग। चलो उठ। मेरी बीवी मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। तुम्हारे लिए मैं अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे सकता। अगर तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे जा, तेरे साथ तो मैं खुद नहीं रहने वाला। तुझ जैसी का क्या भरोसा, जिससे तूने शादी की उससे साथ तो तेरी पटी नहीं, तो फिर मेरे साथ कैसे पटेगी। तुम्हें अब तक बहुत कुछ दे दिया, कार, अपार्टमेंट, सब कुछ। अब निकल यहाँ से, गेट आउट। सॉरी प्रीति, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कसम से, विश्वास करो। तुम बाहर क्यों खड़ी हो जीजा जी? वो चुप चुप चुप, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। चलो थी। अगर आपने उनकी बात सुन ली होती तो वो अपने आखिरी दिन खुशी खुशी बिता पाती, लेकिन आप तो उन्हें वो सुख भी नहीं दे पाए। Yeah.
इतने सालों के बाद भी आप उनके प्यार को भुला नहीं सके सर, मैं आपको सलाम करता हूं। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ। मैं अपनी प्रीति को बचा ना सका, जब तक वो थी मैं उसकी कदर न कर पाया। आज उसके जाने के बाद पता चला वो क्या थी। मैंने उसे बहुत दुख दिए, उसकी बेइज्जती की, रह रह कर ये बात मुझे सताती रहती है। बोलने की कोशिश करता हूं पर भूल नहीं पाता, ये अपने बस में नहीं। पर तुम अपने प्यार का साथ मत छोड़ना। मैं कहा तुम्हारी हैप्पी स्टोरी में अपनी सैड स्टोरी लेके बैठ गया, सॉरी। हाँ वो चलो खाना खाते हैं। स्वाति हाँ? खाना तैयार है ना? हाँ जीजा जी। हाँ, तैयार है, आ जाओ तुम लोग सब आ जाओ। चलो स्वाति जी, खाना बहुत ही टेस्टी था। अच्छा थैंक यू। स्वाति मैं इन्हें स्टेशन तक छोड़कर आता हूँ, ठीक है? जल्दी लौटाऊंगा। आज आजादी के 70 साल बाद भी हमारे स्टेशन की हालत कुछ ज्यादा सुधरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि स्टेशन किस हालत में है, यहाँ पीने का पानी तक नहीं है और बाकी सुविधाएं तो भूल जाइए। इस तरफ हाँ। बैठो तुम सर, टिकट ले लें। हाँ मैं लेकर आता हूँ, तुम इसके साथ बैठो। मानसी तुम यही रहो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक। अरे रहने दो, मैं दे रहा हूँ ना, रामपुर के 2 टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए। रामपुर पहुंचकर तुम लोग मुझे फोन कर देना। कौन थे ये लोग? बताऊंगा, पहले मानसी को ढूंढना होगा। चले यहां ढूंढते हैं। मानसी मानसी मानसी, ओह कमीनों ने इसके साथ ये क्या कर दिया? बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी। चलो इसे मेरे घर लेकर चलते हैं, जल्दी उठाओ इसे। चलो नहीं, यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चलो उठाओ इसे। माधव सुन रहे हो ना, मेरा मुख क्या देख रहे हो? उठाओ इसे, अरे इसे मेरे घर लेकर चलो। चलो जल्दी जल्दी उठाओ इसे। चलो हटिए आप लोग हटिए यहाँ से हटिए। माधव माना कि बहुत गलत हुआ, पर उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? हो सके तो ये बात भूल जाओ और कोशिश करो वो भी भूल जाए। तुम उसका साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी मानसी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सच कहूं तो मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। पता है जिस दिन मैं उसे प्रपोज करने गया था उस दिन क्या हुआ? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरा जवाब हमेशा ना ही होगा। जानते हो क्यों?
क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। दीपक के साथ मैं बहुत खुश थी। वक्त के साथ साथ हम दोनों का प्यार और गहरा होता चला गया। उठते बैठते सोते जागते एक दूसरे के अलावा हमें कुछ और सूझता ही नहीं था। हम जैसे एक दूसरे में खो गए थे। घूमते फिरते साथ वक्त बिताते एक ऐसा मोड़ आया जब हमें महसूस हुआ कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। वो मुझसे 2 साल बड़ा है। पढ़ाई खत्म करके वो अपने घर चला गया। तुम तो जानते ही हो ना मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें मेरे अफेयर के बारे में पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। माधव तुमसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, क्या तुम मुझे दीपक के पास ले चलोगे? सच कह रहा हूँ, आज तो तुम्हें सलाम करने का मन कर रहा है। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन जिस लड़की को तुम इतना प्यार करते हो उसे किसी और के साथ देख पाओगे? मैं तुम दोनों के लिए टैक्सी मंगवाता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चुप मत रहो मानसी, कुछ तो बात करो ना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे नसीब का है। मेरी इज्जत पर जो दाग लग चुका है अब वो कभी नहीं मिट सकता। इस तरह मैं दीपक के सामने कैसे जाऊं? मन तो कर रहा है कि मैं मर जाऊं। स्टॉप इट मानसी, मरने की बात भी मत करना। तुम्हें याद है तुम्हें ने कहा था कि दीपक तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उस गलती के लिए तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो जिस पर तुम्हारा कोई बस नहीं था? अगर छोटी उम्र में कोई लड़की अपने पति को खो दे तो क्या उसे जीने का कोई हक नहीं होता? क्या उसे अपनी ख्वाहिशों का अपने अरमानों का गला घोट देना चाहिए? वो भी तो नए सिरे से जिंदगी जीती है ना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, फिर भी तुम्हें कोशिश करनी होगी। प्लीज दीपक से इस बारे में कुछ भी मत कहना। माधव मैं उससे ये बात नहीं छिपा सकती। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती माधव। 100 झूठ बोलकर भी शादी करना चाहे से, और वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है मानसी। लेकिन अगर उसे नहीं बताया तो गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा। अगर दीपक तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मानसी। देखना दीपक तुम्हारी बात जरूर समझेगा, मेरा यकीन करो। ये सब भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। टैक्सी आ गई है, चलो बैठ जाओ। वो मेरी पहचान वाला है, तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। ए राजा जानी। आ गया राजा जानी, अब ना होगी कोई परेशानी। आ जाओ। आराम से आराम से जाओ मानसी, तुम अंदर बैठ जाओ। छुट्टन आपके एहसान हम कैसे चुकाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, संभल कर जाना। नमस्ते जी, बैठिए। अरे हम का भैंस की तरह कहां हांक रहे हो? वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या मतलब? तो ये बता इसे चला कर क्यों नहीं लाया, ऐसे खींच कर क्यों लाया? अरे सरकार जो आदेश दिया है ना डीजल बचाओ खाते, तो चलते फिरते अपने गले में एक लालटेन भी लटका कर चल, तुम्हारी बिजली भी बच जाएगी। तू बात मत करो, ज्यादा बकवास की ना तो अभी हम तोहका सबनम का 16 दिखा देंगे। अरे 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 फालतू की बात करता है। अरे गजब, तुम ये आलोक नाथ से नाना पाटेकर कहां बन गए? ऐसा ही हूं मैं। ऐसे हो लेकिन तू क्यों नहीं सुधरा अब तक? मेरे भाई अब जल्दी निकल, इन्हें रामपुर तक जाना है। अंधेरे से पहले पहुंचा देगा तो अच्छा है। आराम से गाड़ी चलाना, कोई गड़बड़ मत करना। माल मचा देंगे। मौका मिला तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय। हेलो, अरे कसम उगा मुगी, ये कब हुआ? अरे दुश्मन जमाना,
ठीक है, हम जल्दी पहुंचता हूँ। छुटन, हमारी चाचा की बहन के बेटे का ससुर मर गया है, हमारी बीवी ने बताया अभी। अरे देखो तुम्हारे भक्त की हालत का हो गई भगवान। भैया जी, भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए आपको? अरे ओ मिनी ड्राकुला, आप कुछ दिन तक पूजा अर्चना नहीं कर सकते? ए गायब के तुसार, ऐसे गोलमाल बातें मत कर, अब जल्दी जा और गौमूत्र ढूंढ कर ला जा। गौमूत्र? इस जंगल में गौमूत्र कहाँ मिलेगा? और जंगल के फरदीन तो देख, वो देख गाय, चल जा। ये लात तो नहीं मारेगी। अबे जाता कि नहीं, जा चल। काओ हमारी माता है, हमका कुछ नहीं आता है। अरे भैया रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे थोड़ा सा, अरे भैया रुक जाओ, अरे हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हमको थोड़ा सा ही चाहिए। अरे फिर बिठुआ की बात नहीं मानोगी? अब क्या करें, गौ माता तो हमारे हाथ से निकल गई। अगर खाली हाथ गया तो भैंसा हमको फिर से दौड़ा देगा, कैसे उस भैंसा को समझाएं? छोटरवा अपनी मोटी बुद्धि को दौड़ा और कुछ चिकलम भिड़ा। आइडिया इसके इसके। जिसको ढूंढा हमने गली गली, वो तो हमरे पास ही मिली। भैया जी ई लीजिए गौमूत्र। कह रहे मिस्टर इंडिया, इतना देर कहाँ लगी? गौमूत्र लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, हमरे लिए आ ही नहीं रही थी। क्या बोल रहा बे? नहीं, गाय को नहीं आ रही थी, हमरे सामने थोड़ा शर्मा रही थी, फिर हम उनका समझा ये भैंसा के लिए कितना जरूरी है, भैया जी के लिए। अरे ये तो सैंपल है, बाकी कहाँ है? भैया वो का है ना, आज तो ड्राई डे है, वो तो हमरे कहने पे गौ भैया ने इतना दे दिया, वरना वो का भी ड्राई डे है आज, तो हम क्या करें? पीले पीले भैंसे की औलाद, शायद इसी से तेरे अकल का पत्थर हट जाए। अरे वाह, एक बात बता हमका छुट्टन, ये गाय कौन से खेत का घास खाती है रे? इसका स्वाद तो मजेदार था। भाई क्या है बे? क्या टाइम पास करो, लेट हो रहा है हमें। चल भाई छुट्टन। क्या बात है सरकार, आज आप खुद दर्शन देने कैसे चले आए? मेरी बेटी लापता है। लापता नहीं, भाग गई है। कमीने, तुझे मेरी बेटी के बारे में ज्यादा मालूम है, तू भूल गया मेरे पास इतना बड़ा एक सलिया है जिसे मैं गरम करके। अच्छा सरकार, आप अपनी बेटी की फोटो वोटो लेकर आए हैं? खड़ा क्या है, फोटो दे। भाई साहब, हाँ बहुत भूख लगी है। ठीक है, आगे एक ढाबा है, वहां रुकता हूँ। ए हीरो, बहुत देर से हमारे माइंड में एक टसन चल रहा है, जब से हमारी गाड़ी में बैठे हो देवदास वाला लुक बनाए हो। देखो हम इंसानियत के नाते तुमको एक सलाह देता हूँ, जिंदगी का साथ निभाते रहो, फिक्र को धुएं में उड़ाते रहो। देखो हीरो, हम ये जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत मुश्किल में है, अरे छोड़ो वो सब, बेफिक्र हो जाओ, अरे धमाल मचाओ, डबल धमाल मचाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीतल, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चलो छोड़ो, छोड़ के मत जाओ प्लीज। फालतू में गले पड़ रहा है, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्या हो गया मेरे साथ, मुझे छोड़ के चली गई। अबे हट गई है क्या तेरी, गाय को मजा किरकिरा कर रहा है, मुझे हाथ लगाने वाला है कौन तू? तेरा बाप। अबे देख क्या रहे हो सालो, आगे।
माफी मांग, मांग माफी, मांग। बहुत गर्मी चढ़ी है और उतारूं क्या? माफी मांग दिया नहीं। ए, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों मार रहे हो सर? साहब, आज पुलिस स्टेशन में जिस लड़की की फोटो आई थी, हमको लगता है वो यही है। अरे 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 अरे, पकड़ो ने। साहब साहब साहब, वो जिस टैक्सी में आया उसका ड्राइवर यही बैठा है। ए, 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 अरे छुट्टन, ये दिलवाला तो दुल्हनिया ले गया है। अगर हमसे बच नहीं पाओगे। ए जा, दो मिनट टकरा। पहले ससुराल तो चल, तुझे बिरयानी खिलाएंगे। मानसी, मेरे ख्याल से इस बाइक पर चलना ठीक नहीं होगा। पुलिस के पास इसका नंबर है और वो आसानी से हमें ट्रेस कर सकते हैं। इसे हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? ठीक। चलो। अरे राजा हिंदुस्तान की कसम, हम बेकसूर हैं साहब। ये राजा जानी कुछ नहीं जानता जानी। अबे, जब तक तू अपना मुंह नहीं खोलता कि वो लड़की कहाँ मिलेगी, तब तक तू पिटता रहेगा। देखने में तो तू किसी सी ग्रेड फिल्म का घटिया कॉमेडियन लगता है। और इसे देख, छिछुंदर साला, इसकी शक्ल तो क्राउड में खड़ा करने लायक भी नहीं है। रामलीला में हनुमान मैं बनता हूँ, बंदर ये। अरे ये तो बहुत ही बेइज्जती कर दी है सार। कसम अपने फिल्मी चक्कर की, वो हीरोइन कौन थी हमको नहीं पता। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो तोफू कबूल करवा के दिखाएगा। अरे थोड़ी तो शर्म कर, अपनी नहीं तो उन फिल्मों की इज्जत कर ले। देख, मैं फिर से पूछ रहा हूँ साहब, हमारा जवाब भी वही रहेगा। उनकी जिंदगी के सफर में हम तो सिर्फ गाड़ी के हम सफर थे। हमको क्या मालूम कि वो 9-2-11 हो जाएगा। हमको पता होता कि वो रफू चक्कर हो जाएंगे तो हम तो उनको शुरू में ही बोल दिया होता कि हम आपके यहाँ कौन। कसम पैदा करने वाले की, हम बस एक छोटा सा पैक मारे, वो भी नीट। सच सच बता तो उनके बारे में और क्या जाता है, चल। सर, हम आपको अपना दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। हमारी कहानी बिल्कुल बाजीगर के शाहरुख खान जैसी है सर। हम तो बस मौके की तलाश में थे सर, पर हमें विलन नहीं हीरो बनना था, क्योंकि हम अपनी माँ का इकलौता तारा है। वो सपना देखी थी कि हमको आखिरी रास्ता का अमिताभ बच्चन बनाएंगी, आपकी तरह एक निडर पुलिस वाला। पर जब से हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखे, तब से हमने सोचा कि हम सिर्फ टैक्सी चलाएंगे। सर, हम कुछ नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं जानते। चल भाग जा। बहुत मेहरबानी सर। निकल निकल। ए, इनके कपड़े दे दे इन्हें। क्या साहब, इन्होंने इतना ड्रामा किया फिर भी आपने इन्हें छोड़ दिया? फिल्मी दीवानों का दर्द तुम क्या जानो। पता है, मैं भी एक्टर बनना चाहता था, लेकिन बन गया पुलिस वाला। नसीब अपना अपना। रामपुर, चलो चलो भाई, रामपुर वाले बाहर आ जाओ। उतरो उतरो। आजा। अरे और कोई है क्या? चलो चलो। क्या हुआ मानसी, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वैसी तो कोई बात नहीं, बस थक गई हूँ। तो ठीक है, अब अंदर आओ ना। प्लीज कम। मैं मानसी को छोड़ने आया था, अब मैं चलता हूँ। रुको, एक मिनट। कहाँ चल दिया जनाब? तुम मानसी को लेकर आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा तुम्हें। तुमने दो प्रेमियों को मिलवाया है, इस रोमांटिक शाम को एक जाम के साथ थोड़ा और रोमांटिक बनाते हैं, प्यार का नशा चढ़ाते हैं। नो थैंक यू सर, मुझे चलना चाहिए। प्लीज। ओके।
क्या नसीब लिखवा के आया हूँ यार। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसका हाथ किसी और के हाथ में खुद ही देना पड़ रहा है। अच्छा लूजर है तू बहुत बड़ा। दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ ना वो भूल के भी कभी मत करना। अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो पहले उसे पूछ लो उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अपना रास्ता क्लियर। नहीं तो तुम्हारे इस बेचारे से दिल के टुकड़े 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 हो जाएंगे मेरे दोस्त, वरना मेरी तरह तड़पते रह जाओगे। किस्मत ही रूठी है भाई। दोस्त कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता। नहीं नहीं दोस्त मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है फिर। ओके माधव सुनो एक मिनट यार। सुनो शंकर साहब मैडम का सामान लेकर आओ। मानसी का लगेज क्यों मंगवाया यही सोच रहे होंगे ना आप। तुमने क्या सोचा इसकी फटी हुई इज्जत मेरे गले बांध दोगे। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम दोनों। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मुझसे शादी करके मुझे बर्बाद करना चाहती थी। ऐसा तुमने सोचा भी कैसे धोखेबाज कहीं की। ये बात मुझे कैसे पता चली यही सोच रहे हो ना तुम। उस दिन मैं सरकारी अस्पताल की स्ट्राइक आज से खत्म हो चुकी है। फिलहाल मिली ताज़ा खबर के अनुसार अमरपुर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की के साथ दिन दहाड़े बलात्कार। लड़की का नाम मानसी बताया जा रहा है। लड़की को काफी चोटें भी आई हैं। इस हादसे में दो लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हेलो दीपक हम अब अमरपुर पहुँच गए हैं। ट्रेन में जिनसे मुलाकात हुई वो हमें अपने घर खाने पर लाए हैं। एक और बात बताऊं मैंने तुम्हारी वो फर्स्ट गिफ्ट वही वो ऑरेंज कलर की ड्रेस वही पहनकर आ रही हूँ। मुझे लगा तुम खुद ये बात मुझे बताओगी लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझसे गलती हो गई। I'm very sorry, दीपक। क्या चाहती हो तुम कि मैं इतनी बड़ी बात को भुलाकर तुमसे शादी कर लूं? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना दीपक। उस प्यार की खातिर ही मुझसे क्या करूं इस प्यार की खातिर। किस मुंह से ले जाऊंगा अपने माँ बाप के सामने तुम्हें। अगर तुमसे शादी कर लूंगा तो इस समाज में सिर उठाकर जीना मुश्किल हो जाएगा मेरा। तुम चाहती हो मैं खुद की जिंदगी बर्बाद करूं हाँ? तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी ये बात मैंने सोची भी नहीं थी दीपक। इसके साथ जो भी हुआ उसमें इसका क्या दोष है। मैंने ही इसे तुम्हें बताने से मना किया था। दीपक ये तो मरना चाहती थी लेकिन मैंने इसे रोका। मैंने कहा कि तुम इससे सच्चा प्यार करते हो और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानसी तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है दीपक। जो गलती इसने की नहीं उसकी सजा इसे मत दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बड़ी पैरवी कर रहा है भाई तू इसकी। लगता है बहती गंगा में तूने भी हाथ धोए हैं। दीपक अगर माधव के बारे में एक और गलत लफ्ज मुंह से निकाला तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कमीने माधव छोड़ दो माधव। शाबाश सही है आग दोनों तरफ बराबर है। हाँ चलो निकलो। ऐसा मत करो। आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। मेरी बात तो सुनो दीपक प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ मुझसे शादी कर लो। तुम मुझे इस तरह से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी बताओ। तुम्हारे सहारे ही मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। मुझे अपना लो प्लीज दीपक प्लीज। दीपक मानसी बहुत अच्छी लड़की है दोस्त। प्लीज इसे अपने आप से दूर मत कराओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ दीपक प्लीज ऐसा मत करो। चल आई खुद की इज्जत तो बर्बाद कर ली
लेकिन मैं अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करने दूंगा। I said get out! मानसी, उठो मानसी, रो मत मानसी, चुप हो जाओ, चलो उठो, उठो, कम ऑन, शांत हो जाओ। आगे किसे उतरना है बताओ? अरे आगे देख क्या कर रहा है? आप जानते हो उसे? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो मैं बाद में बताऊंगा दद्दू, पहले मानसी से मिलवा दीजिए, बताइए ना कहाँ है वो। अरे वो देखो वो आ गई। लो बेटा आ गई मानसी मेरी पोती। दादाजी खाना लाई हूँ। ये तो आपकी मानसी है दद्दू, मेरी मानसी नहीं है। मानसी, मानसी, हर हर महादेवा। कौन आ रे बड़ा तू? किसको शोधता इधर? अपनी मानसी को ढूंढ रहा। बेटा तू शंकर देव में विश्वास रख, वो तेरा मानसी को जरूर मिलाएगा। ये रे इधर पास में मेरा घर है, जब तक तेरा मानसी नहीं मिलेगा तू उधर ही रहने का। तेरा प्यार सच्चा है तो तेरा मानसी तेरे को जरूर मिलेगा। वो देख उधर ही रहता हूं मैं। हरे हरे महादेवा, शिव शंभो, आजा बेटा इकड़े बैठ। आगा एक तेज का पानी लेके आओ। हाँ, अभी लाती है। तू बिल्कुल फिकर नहीं करने का, तेरा मानसी तेर को जरूर मिलेगा। इनसे मिलिए, मेरा भाई को है शारदा नाम है। नमस्कार। लगता होश आ गया। अरे रे 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 ये तो नीचे गिर गई। उठ रे बेटा आराम से उठ। कैसा लग रहा तेरे को? मानसी, ये
चाहिए, मैं कहाँ हूँ? काय साला? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बोल क्या साला? तेरा क्यों है? अरे बेटा। माधव कहाँ है? ये माधव कौन? मानसी, मानसी, मानसी मैं आऊँ। मानसी, माधव, मानसी, मानसी, बाबा, यही है मेरी मानसी बाबा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माधव। सब ठीक हो जाएगा मानसी, देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मानसी, अरे बाबा तुम लोग कौन है और ऐसा कैसा हो गया तुम्हारे साथ? बाबा हमारे साथ हादसा हुआ था। लेकिन बाबा मानसी आपको कहां पर मिले? अब मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलने का। अब मैं कैसे जीऊंगी? आपकी बेटी को रामपुर के पास किसी गांव में देखा गया है, एक लड़के के साथ। अपनी मर्जी से रह रही है शायद। गर्मा गर्म खाना हाजिर है, चलो खाओ। मुझे नहीं खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहते मानसी, कितने प्यार से बनाया उन्होंने, थोड़ा सा खा लो प्लीज। नहीं। एक गुड न्यूज़ दूं तुम्हें, कल हम दोनों यहाँ से शहर जाने वाले हैं और वहाँ किसी अच्छे से हॉस्पिटल में किसी अच्छे से डॉक्टर से तुम्हारी आंखों का इलाज करवाएंगे। इस अंधेरे में ही बहुत सुकून है, अब यही मेरी किस्मत है। प्लीज माधव, मुझे किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, क्यों ना हम लोग यहीं रह जाएं? ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले खाना खाना होगा, बाकी बातें खाना खाने के बाद। मुंह खोलो। माधव, बचपन से ख्वाहिश थी कि माँ की गोद में सर रख के आराम से सो जाऊं, क्या बस एक बार तुम्हारी गोद में सो सकती हूँ? सोचो ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब रोना बंद करो। ओके चलो अब अंदर चल के थोड़ी देर सो जाओ। हाँ चलो उठो, उठो चलो उठो, आ जाओ उठो। शाबाश। माधव जाने क्यों आज? दीपक की बहुत याद आ रही है, इस दिल का क्या करूं, वो अब भी उसी को चाहता है। ज़्यादा सोचो मत मानसी, सो जाओ।
वो बैठे हैं ना वहां पर, आपके वो प्यारे भोलेनाथ जी, इनके लिए तो ये प्यार व्यार मोहब्बत शोहबत ये सब खेल है और कुछ नहीं है। हम तो बस इनकी हाथ की कठपुतली हैं, जैसे नचाते हैं नाचना पड़ता है। मैं तंग आ गया हूँ इस सबसे, पता नहीं किस गधे ने कहा है लव इज गॉड, नो नेवर। मैं बताता हूँ लव क्या है, लव इज नॉट गॉड, लव इज अ रॉड जो आपके दिल में घुस जाता है, उसे उसे जख्म देता है और धीरे 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 उसे नासूर बना देता है। नहीं चाहिए ऐसा प्यार, रखो अपना प्यार अपने पास। इस प्यार ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। और पता है बाबा, मैं चाहकर भी अपने इस प्यार का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा चुपता है मुझे बोलने का रे बाबा। ये प्यार यहाँ कहते हैं गॉड इज ग्रेट, लेकिन मैं नहीं मानता, लवर्स आर ग्रेट, लव इज बुलशिट। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ बाबा, इस दुनिया में प्यार कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए, झूठ है प्यार, झूठ। अरे बेटा, हम सब लोग अपना किस्मत लिखा के आते इधर, जो भगवान का मर्जी होएगा वो ही छोएगा। अरे तू काय को भूल गया, वो भोलेनाथ ही तुम लोग को एक बार फिर से लाके इधर मिलाया। अभी सुन, भोलेनाथ के सामने मानसी का शुद्धि करने का और उसका हमेशा हमेशा के लिए हाथ पकड़ लेने का, हर हर महादेव। इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझ पर लगा कलंक कभी नहीं मिटेगा। तुम्हें लगता है इसके बाद समाज मुझे स्वीकार करेगा? हाँ, इस दुनिया में सिर्फ इस मिट्टी के तन का मोल है, मन का नहीं। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं? मानसी देखो प्लीज, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे उसे करने दो, प्लीज मना मत करो, प्लीज बैठ जाओ। के साथ ये क्या कर दिया? माधव, मानसी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ये पेट से नहीं है। लड़की को कहीं देखा है? ये शायद पहाड़ी के पीछे रहती है। सुनो, तुम्हारा नाम पुकारूं क्या? मानसी को कितना प्यार करता है रे, बिल्कुल बच्चे का मापक देखभाल करता है। वो लड़की मानसी तो लई किस्मत वाली है, बहुत गलत हुआ बिचारी के साथ, अब वो देख नहीं सकता, उसका हाथ तो नहीं छोड़ेगा ना तू? नहीं बाबा,
मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मानसी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई। वो मुझे जिस भी हाल में मिले मुझे मंजूर है। मैंने एक देवी की तरह उसे अपने दिल में बसा लिया है। प्यार सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं होता है बाबा, वो तो मन से मन का रिश्ता होता है। मानसी के साथ जो भी हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैं उसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी भी नहीं बाबा। मानसी को मैं खुश देखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानसी मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो खुश रहे। इस जन्म में तो क्या, मैं हर जन्म में उसे इतना ही प्यार करूंगा बाबा। तुमने सुना ना मानसी, वो लड़का माधव काय बोला? अगर वो लड़का तुमसे लई प्यार करता है, माधव तुम्हारी जिंदगी में उजाला लाएगा। जीवन भर तुम्हें कोई भी चीज की कमी नहीं होने देगा। वो जो छोड़ के गया उसका नहीं, जो सामने है उसके बारे में सोचने का। मुझे तो पता ही नहीं चला मैं माधव को मन ही मन कितना चाहने लगी हूँ। आज उसे ये बात कह दूंगी। ओ भाई कांदा कैसे बेचते है तुम? 100 रुपया का 1 किलो। कांदा मांगा है, सोना नहीं मांग रहा है। सोने के भाव में कांदा बेचता है देखो। तो फिर कांदा क्यों लेने का, सोना जाके खरीदो। अरे देख, मेरे को ज्यादा भाव ताव करने को अच्छा नहीं लगता है। अभी जल्दी से सही भाव में मेरे को 2 किलो कांदा दो। लो। जानता नहीं मैं कौन हूँ? उधर किस बात का शोर मच रहा है? अरे भाव, वो गणेश भाव के घर में आदमी है, उसने किसी लड़की को उल्टा सीधा बोल दिया, उसका झगड़ा है। निकल यहाँ से। असका है। ज्यादा चूचा की ना तो यही गाड़ दूंगा, समझा ना? चलो अब हटो। माधव किधर जाता है? तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। रुक रुक रुक, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं बताता हूँ। चल बक। उस दिन जिस दिन अपना पहला लफड़ा हुआ था ना, उस दिन मैं उस लड़की को पहली बार देखा। अपुन ने सोच लिया कि अपुन इसको छोड़ेगा नहीं, बस मौका ढूंढ रहा था। और किस्मत से वो अपुन को प्लेटफॉर्म में मिली। उस दिन अपुन और अपुन का दोस्त ट्रेन से कहीं जा रहा था, अमरपुर स्टेशन पर वो बैठी हुई दिखी। अपुन ने सोचा अच्छा चांस है। चल निकल यहाँ से, पुलिस है। और पुलिस की वजह से सारे प्लान पर पानी फिर गया, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। मानसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मानसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। मुझे ये बात मानसी को बतानी होगी। अब दीपक उसे जरूर अपना लेगा। अब मानसी की उजड़ी जिंदगी संवर जाएगी, उसकी खुशियां वापस लौट आएंगी। भूतनी के, मेरी बेटी को भगा के ले गया तू? आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मानसी। ए, अब ये भी तेरे को बोलना पड़ेगा? इसकी एक भी हड्डी बची तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सर पहले मेरी बात सुन लीजिए। Oh,
मार मुझे। समझ में नहीं आ रहा कि माधव से कैसे कहूं कि मैं उसे कितना चाहती हूं। अगर कुछ बोल ही नहीं पाई तो क्यों ना मैं एक चिट्ठी लिखूं? अपने दिल का हाल लफ्जों में बयान करना ही ठीक होगा। और ये चिट्ठी मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगी। मानसी, मानसी, माधव, मानसी तो नहीं है क्या? कहाँ चली गई मानसी? कोई आया था उसको लेने को, मैं पूछी पर वो कुछ बताई नहीं मेरे को। पर वो बात कर रहे थे, मैं सुनी। 4 बजे का गाड़ी है, स्टेशन जाने का है। स्टेशन जाना है? देखो ये लफंगा यहां भी आ गया। पहले गलत फहमी पैदा की, मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी इज्जत लूट गई। हम दोनों को अलग करने में इसी का हाथ है मानसी। इस पे भरोसा मत करना मानसी, बिल्कुल मत करना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दीपक? कितना दोगला इंसान है रे तू। अगर प्यार था तो इसका दिल जीत के दिखाता तब मानता। एक झूठ से तू हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने चला था। मेरी मानसी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है और ये मेरी हो कर रहेगी। सुनकर हैरान हूं कि तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया। जिस दिन से मैंने मानसी को घर से निकाला है, मुझे एक पल को चैन नहीं मिला। दर दर भटका हूं इसे ढूंढने के लिए। और देखो किस्मत ने एक दिन मुझे मानसी की सच्चाई से रूबरू कराया। अपना तो बैड लगेज खराब है साला। उस दिन अचानक से वो लड़की हाथ आई। कौन सी लड़की? मानसी, न्यूज में नाम बताया। बिना कुछ किए ही छोड़ना पड़ा। तेरी तो किस्मत ही बकवास है। क्या था, पर पुलिस की वजह से सब चौपट हो गया। अरे यार, निकल गई हाथ से। वो तो अच्छा है, मुझे सच्चाई का पता चल गया। पर ना पता नहीं तुम मानसी के साथ क्या क्या करते। मानसी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मानसी, मुझे खुद इस बात का भी पता चला। मैं तो तुम दोनों को मिलाना चाहता था। मानसी, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे गलत मत समझो। मानसी, मेरी बात का विश्वास करो प्लीज। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैंने हमेशा तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है। हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए। मैंने कभी तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहा मानसी। अगर तुम मुझे ऐसे धुतकारोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दीपक, प्लीज झूठ मत बोलो। मानसी, मानसी प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मानसी, मानसी इस तरह रूठ कर मत जाओ। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया मानसी। मेरी बात का यकीन करो प्लीज। मानसी प्लीज मेरी बात सुन लो। ये लो, जाओ यहां से। मानसी मेरी बात सुनो। मानसी पीछा छोड़ दो मेरा। मानसी
मानसी माधव, I'm sorry, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। जो खुद अंधी है, वो किसी और के जिंदगी को क्या रोशन करेगी? जिस आदमी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, हम दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाला, उस दीपक के साथ कैसे चली गई? यही सोच रहे हो ना? दीपक तो बस वहाँ से निकलने का एक बहाना था। मैं दीपक के साथ नहीं रहूंगी माधव, अब इस बदहाल जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ, पर तुमसे एक बात कहना भूल गई। I love you, माधव। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना।